लगता है कि इस बार मैं अपनी पुत्री को कदम के पुष्प नहीं दे पाऊंगा। दुखी मत हो मित्र, मैं तुम्हारे मन की दशा को समझ सकता हूं। इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मित्र, मेरे लिए मेरी पुत्री की प्रसन्नता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। हम दोनों अपनी पुत्री से बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हमारी राधा हमारे जीवन में अनेकों प्रार्थना और प्रतीक्षा करने के बाद आई थी। बरसाना गांव के वासी ही ये सत्य जानते हैं। मित्र, तुम मुझे मित्र समझते हो ना? सब कुछ बताओ, तुम्हारे मन में क्या है? कान्हा, विवाह के पश्चात सारे सुख होते हुए भी एक दुख था हमें। कई वर्षों तक हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई। संतान की प्राप्ति के लिए ना जाने हमने कितने जप कितने तप किए, कई साधु कई महात्माओं से मिले, फिर एक बार क्या हुआ महात्मन? आप मौन क्यों हैं? संतान प्राप्ति में कोई बाधा तो नहीं? कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष तो नहीं है ना? चिंता मत करे वृषभान, तुम दोनों को एक पुत्री की प्राप्ति होगी। आप धन्य हैं महात्मा, ये सुंदर क्षण हमारे जीवन में यथाशीघ्र आए, बस यही कामना है। आप धन्य हैं। इस हेतु आपको एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और इस यज्ञ को मैं पूर्ण करवाऊंगा। इस प्रकार उन महात्मा के सानिध्य में यज्ञ किया गया और ये यज्ञ 3 दिन तक चला। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब हम इस अनुष्ठान के सबसे महत्वपूर्ण चरण पर पहुंच चुके हैं। अब आपको उस स्थान पर भूमि पूजन करनी होगी। आइए। अब आप इस भूमि को खोदना आरंभ कीजिए। जी गुरुदेव। प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली, इसलिए वरदान स्वरूप आपको यह कन्या प्राप्त हुई है। प्रभु, महात्मन, आपका कोटि कोटि आभार। इस प्रकार भाद्रपद माँ की शुक्ल अष्टमी में प्रभु ने हमें राधा वरदान के रूप में प्रदान की थी और इसीलिए ये दिन हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मित्र, राधा मेरे जीवन का सबसे बड़ा सुख है। उसकी छोटी छोटी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करता हूं और यदि आज मुझे कदम के पुष्प नहीं मिले तो मेरी पुत्री उदास हो जाएगी।
नहीं मित्र, ऐसा नहीं होगा। मैं पुत्री राधा के लिए कदम के पुष्प अवश्य मंगवाऊंगा। नंदो, अपने साथियों के साथ वन में जाओ और कदम के पुष्प शीघ्र ही लेकर आओ। चलो मित्र, अब हम सब लोग चलकर पुत्री राधा को जन्मदिन की शुभकामनाएं देकर आते हैं। हाँ हाँ, अब तो हमारी लाडली जागने ही वाली होगी। बाबा कहाँ गए? बाबा!